गाइस आज हम जा रहे हैं फुकेट की सबसे ऊंची जगह पे, और ये एक माउंटेन पे है और इसे बिग बुद्धा भी कहते हैं। तो अभी हम इसके पार्किंग एरिया में हैं। तो यहाँ से इसका गेट है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है, आप क्या क्या यहाँ पे कपड़े पहन सकते हैं, क्या क्या अलाउड है, पूरे यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन है। तो आज जैसे कि सुबह बारिश हुई थी तो थोड़ा पानी भी है यहाँ पे। यहाँ पे ना कुछ पुराने आर्टिफैक्ट्स भी रखे हैं, शायद पता नहीं इन्होंने इसे मतलब पुराने हो गए हैं क्या है, यहाँ पे लगा रखे हैं साइड में, एंटीक्स हैं काफ़ी, नॉट फॉर सेल है फॉर श्योर। नेक्स्ट यहाँ पे एक शॉप है कपड़ों की, हैट वगैरह भी मिल रही है यहाँ पे, आप हैट भी ले सकते हैं, और खाने पीने का भी है यहाँ पे। यहाँ से आगे आप देख रहे हैं तो ये स्टेयर्स जा रही है ऊपर, लेकिन यहाँ से सामने कुछ व्यू दिख रहा है मेरे को, और ये सी है सामने। अब यहाँ से मेरे को लगता है पूरा फुकेट का व्यू आएगा। वाओ, यहाँ से देखो आप व्यू, पूरे फुकेट का व्यू है, पूरे बीच साइड का व्यू है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, बहुत सारी शिप्स खड़ी हैं यहाँ पे। ये पूरे फुकेट सिटी का मतलब पूरा आइलैंड का व्यू है। ये देखो यहाँ से पूरा डॉक यार्ड दिख रहा है, कितनी सारी शिप्स दिख रही हैं, ये सारी शिप्स हैं, देखो अच्छे से। वाह कितना अच्छा लग रहा है ये पूरा। यहाँ पे छोटी बोट्स भी हैं, स्पीड बोट्स भी हैं, और शिप्स भी हैं सारी, और ये पूरा फुकेट का व्यू है यहाँ से। और ये है बिग बुद्धा, आप देख सकते हैं कितना बड़ा स्टैचू है बुद्धा का। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, बहुत ही बड़ा स्टैचू है ये, एक्चुअली फुकेट से ही दिखता है, आपको नीचे फुकेट से ही दिखेगा पूरा, अलग ही एक माउंटेन पे। और यहाँ पे और भी सारे बुद्धा हैं, मतलब ये इनके गॉड हैं शायद। तो ये काफ़ी सारे यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स थे, मतलब आइडल्स थे। जो बुद्धा की हाइट है 45 मीटर्स है, और ये थर्ड टॉलेस्ट स्टैचू है थाईलैंड का, ये 2014 में कंप्लीट हो गया था। अभी यहाँ पे मतलब थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा है पीछे, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आप कुछ ऐसे मैसेजेस भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एक मतलब परंपरा कह सकते हो आप, कि यहाँ पे लीव पे आप ऐसे अपने लव वंस के लिए कुछ भी मैसेज लिखना हो आप यहाँ पे मैसेज लिख सकते हैं, और यहाँ पे उसे आपकी कोई विश हो
आप यहाँ पे लिख के जाओ, यहाँ पे टांग दो, पूरी हो तो आप वापस आओ यहाँ पे और उसे फिर रब कर दो, ऐसा यहाँ पे मेरे को बताया गया था। तो यहाँ पे कुछ ये बुद्धा बैठे हुए थे, ये अराउंड 25 और 30 हैं। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, बस यहीं से एग्ज़िट लेंगे हम। तो ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।